नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में पंजाब में भयानक ट्रेन हादसा, वैन से टक्कर में सिख यात्रियों समेत 29 की मौत, कई घायल। बड़ी खबर ये आ रही है, भारत ने कोरोना रिकवरी रेट में बड़ी कामयाबी हासिल की। हरियाणा से बड़ी खबर, सोनीपत पुलिस जवानों की हत्या मामले में 2 महिलाएं गिरफ्तार। सोनीपत में पुलिस वालों की शहादत को गृह मंत्री अनिल विज ने किया सलाम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर किया प्रदर्शन। परवाणु से सोलन फोर लेन की कटिंग के चलते कुमार हट्टी में हवा में लटका मकान, दिखाएं विस्तार से। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक भयानक ट्रेन हादसा हो गया। यहां एक पैसेंजर ट्रेन श्रद्धालुओं से भरी एक वैन में जा भिड़ी। घटना में करीब 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर सिख यात्री थे। भारत में कोविड-19 रोगियों का रिकवरी रेट 60% को पार कर गया है। अब रिकवरी रेट 60.73% है। ये जानकारी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी। हरियाणा के सोनीपत से बड़ी खबर, पुलिस के 2 जवानों की हत्या मामले में सोनीपत पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है, दोनों महिलाओं की दोस्ती मारे गए दोषी अमित के साथ थी। उस रात दोनों महिलाएं अपने परिजनों को नशे की दवाई खाने में खिलाकर घर से भाग कर आई थी और वारदात के समय दोनों मौजूद थी। सोनीपत में हुई हरियाणा पुलिस के 2 जवानों की हत्या के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने दोनों जवानों की कुर्बानी को सलाम किया है। उन्होंने कहा कि जवानों ने प्राण देते देते अपना फर्ज निभाया है। वहीं विज ने यह भी ऐलान किया है कि पुलिस कर्मियों के हत्यारों को 24 घंटे से कम समय के अंदर पकड़ने वाली टीम को भी सम्मानित किया जाएगा। हथियार रखने के आदेश हम जारी करेंगे, परंतु हमारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों ने ये हत्याकांड किया था उनको ट्रेस करके पकड़कर बहुत बड़ा काम किया। और मैं उस सिपाही को भी सल्यूट करना चाहता हूँ जिसने अपने प्राण जाते जाते भी गाड़ी का नंबर अपनी हथेली पर लिख दिया। हरियाणा प्रदेश में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में इस प्रदर्शन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक जवाहर लाल गोयल ने की। उनके साथ और तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के नाम डीसी को एक ज्ञापन भी दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 3 सप्ताह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्र सरकार ने बेतहाशा वृद्धि करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। हिमाचल के सोलन में फोर लेन कंपनी द्वारा लापरवाही बरतते हुए की गई कटिंग के चलते परवाणु से लेकर सोलन तक अभी तक कई मकान कंपनी की लापरवाही का शिकार हुए हैं। सोलन जिला के कुमार हट्टी में फोर लेन निर्माण में लगी कंपनी की बेतरतीब कटिंग से एक बहुमंजिला भवन को खतरा पैदा हो गया, जिसके चलते अब इस मकान में मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। घर वालों का घर में रहना दूभर हो गया है। हमारे देखो जी, ये मकान नीचे सारा ही चला गया, आगे से सारा इन फोर लेन वालों ने सारा पूरा हाल कर दिया इसका। और जी अब हमने सबके पास इसकी कंप्लेंट करी, शिकायत करी जी, फिर इन्होंने किसी ने हमारा कुछ नहीं सुना जी। अब मेरे साथ मेरे 4 बच्चे हैं जी, और हम कहाँ जाएंगे जी। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये अवगत करवाया गया था कि फोर लेन के कटिंग के चलते एक मकान में दरारें आ गई थी, जिसमें हमने तुरंत रेवेन्यू टीम को स्पॉट पर भेजा और उसमें इवेल्युएट करने का प्रयास किया गया कि ये एग्जैक्टली कितना क्वांटम का डैमेज उस घर को पहुंचा है। और ये पाया गया कि फोर लेन की कटिंग जो रास्ता बन रहा है उसके चलते लैंडस्लाइड हुई है हल्की सी, और जिसकी वजह से ऊपर एक घर है जो कि काफ़ी वल्नरेबल कंडीशन में आ गया है। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए आज प्रकाश टीवी।
ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।